हेलो यूनिवर्सल गेमर्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगे। तो गाइस, आपने अगर आप पबजी लवर हो तो आपने न्यूज़ सुनी ली होगी कि पबजी मोबाइल इंडियन वर्जन प्ले स्टोर पर अपलोड हो चुका है। बस गूगल प्ले टीम अच्छे से रिव्यू कर ले एपीके फाइल को ताकि जल्द से जल्द वो प्ले स्टोर अवेलेबल हो जाए। तो गाइस, आपको पता होगा कि हम जब भी कोई एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर पब्लिश करते हैं तो पहले वो रिव्यू में जाती है, उसके बाद अगर मतलब गूगल के टर्म एंड कंडीशन फॉलो कर रही है ये एप्लीकेशन तो फटाफट से अप्रूव हो जाता है। वैसे ये प्रोसेस में कुल मिला के 3 दिन का टाइम लगता है, पर अगर कुछ गड़बड़ लगे तो 7 दिन भी लग जाते हैं। वैसे आज 2 दिन तो हो गए, मतलब कल पबजी इंडियन वर्जन प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगा। पर गाइस, अवेलेबल होने से कुछ नहीं होता है। अगर अवेलेबल हो गया फिर भी इतना सारा ट्राफिक जाएगा ना पबजी इंडियन वर्जन को डाउनलोड करने के लिए कि पबजी मतलब पबजी का तो नहीं, गूगल प्ले स्टोर का सर्वर क्रैश होने की फुल शक्यता है। तो गाइस, जब प्ले स्टोर पर आ जाए तो तुरंत जाके डाउनलोड कर लीजिए। वैसे आपको स्पीड भी कम आएगी, डाउनलोडिंग नहीं, पर कोई दिक्कत नहीं, फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि गूगल का इतना बड़ा सर्वर, भाई एक के बाद एक बंदे आए जा रहे हैं। चलो, वैसे गूगल का इतना बड़ा सर्वर रहा मतलब कि क्रेश तो नहीं होगा शायद, मुझे लगता है वहाँ तक। फिर भी गाइस देखते हैं क्या सीन होता है। तो गाइस यहाँ पे देखो, हम आ गए थे। तो गाइस यहाँ पे हम जोर जोर आ गए थे और भाई तुम्हारा भाई बोट मारा जा रहा है। वैसे स्टार्टिंग में तो रियल बंदे मारे थे, पर गाइस ये गेम प्ले बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, 30+ किल निकलने वाले हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, पूरा देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, मैं ऐसा नहीं बोलता, पीछे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर अच्छा लगता है तुमको मेरे रिफ्लेक्सेस वगैरह, अगर मैं थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा, वो टिप्स एंड ट्रिक्स भी अच्छे लगते तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि आपके दोस्त भी कुछ सीख सके हमारे गेम प्ले देख के। और गाइस, मैं ट्राई करूंगा कि जो भी मैं आगे गेम प्ले लाऊं उसमें मतलब थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स गेम के बीच बीच में देता रहूं। तो गाइस, आप हमारे वीडियो देख के आगे जाके कुछ सीख भी सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे जो बोट था वो वेयर हाउस में जो मेरा किल था उसको फिनिश करने की ट्राई कर रहा था, पर भाई जान चली जाए पर किल ना जाए। भाई किल हमको इतने प्यारे, वहाँ का सब माइनस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस किल ले ही जाना चाहिए। क्योंकि भाई आपको पता है कि सीजन मतलब नई केडी सिस्टम के हिसाब से चिकन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिलहाल यहाँ पर एक्समैन लोगों नॉक हो चुका था, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने टीममेट को बचाए। तो हम जा रहे थे उसको बचाने, पर हमको पोजीशन नहीं पता थी तो हमने पूछ लिया भाई बंदा कहाँ पे, तो लोगों ने बताया कि वो राइट साइड है। तो मैं जम मार के इसको दे रहा हूँ मतलब देने चला जाता हूँ। तो फिलहाल इसको हीलिंग भी चाहिए थी तो हीलिंग भी ड्रॉप कर दी। तो अब देखिए क्या होता है। यहाँ पे लोगन भाई बता रहे भाई दो दो जन मेरा एक साथ रेप कर रहे थे। भाई नितिन तू कहाँ घूम रहा है भाई, मुझे कवर दे यार, मैं तेरा ही टीममेट हूँ। तो मैंने बोला भाई तेरा कवर जाए भाड़ में, मैं तो चला मेरा किल कंफर्म करने, मतलब किल कंफर्म तो हो चुका था, सोचा कुछ लूट लेता हूँ वहाँ जाके। तो मैं चला गया कुछ लूट फाट करने जहाँ मैंने बंदे मारे थे। तो अभी हमें एक बोट मिल जाता है और तुम्हारा भाई बोट था, शायद बोट ही था, UMP के इजी रेड डॉट स्प्रे से उसको मार देता है। तभी एक गेम भी मिल जाती है और तुम्हारा भाई पूरा गेम में चलाने वाला है एक केम प्लस DP28। और गाइस देखो तुम्हारा भाई कैसे स्प्रे देता है, DP28 4x भी मिलेगा, थोड़ा सबर करो मिलेगा। तो फिर तुम्हारा भाई कैसे एम ट्रेसिंग करता है, मतलब गाड़ी से बंदी गिराता है। आप देखते रहियो कैसे बंदे गिराता है। फिलहाल यहाँ पे दो बंदे थे, एक लेटा हुआ था और दूसरे को तो भाई क्या ही मारा है मैंने। अगर आपको ये 2 किल अच्छे लगे हो तो वीडियो पर भी लाइक ठोक दीजिए फटक से, कोई वेट ना करे, फटाफट ठोक दीजिए ताकि भाई तुम्हारे भाई के वीडियो पे थोड़े व्यूज आए, थोड़ा ग्रो करे, थोड़ा जो मेहनत करे उसका फल मेरे और तुम्हारे भाई का यूट्यूब चैनल तुम्हारे भाई का यूट्यूब चैनल मोनिटाइज हो चुका है। तो तुम्हारे भाई आगे जाके गिव अवे भी लाएगा कुछ छोटे मोटे। और यहाँ पे मैंने एक को तो नॉक किया, पर दूसरा में 1 HP था तो वो मुझे नॉक कर देता है। मैंने ड्रॉप शॉट मारने की ट्राई की, पर यहाँ पे अब कौशिक के ऊपर है जो करना है। और भाई यहाँ पे हमारे एक्समैन लोगों ने बहुत तगड़ा खेलते हैं भाई,
बहुत ही तगड़ा खेलते हैं। मैंने इनको बहुत बार बोला भाई तू अपने यूट्यूब चैनल बना ले यार, इतना अच्छा खेलता है तो भाई तू मतलब कुछ कर सकते है यूट्यूब पे। पर भाई बोल रहे भाई मेरे पास अच्छा डिवाइस नहीं है, मेरा मतलब लैग होता है, इसके पास कुछ रियलमी 6 है तो रिकॉर्डिंग के टाइम थोड़ा थोड़ा लैग होता है। पर मैंने बोला भाई कम बीट रेट पे रिकॉर्डिंग कर, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बीट रेट मतलब चल जाती है 6 के आसपास अगर आप यूट्यूब पे 720p में वीडियो अपलोड करना चाहते हो। वैसे मैं यहाँ पे 8 की बीट रेट से रिकॉर्ड करता हूँ। अरे यहाँ पे और दो बोट तुम्हारे भाई मार देता है, और तभी सिटी से जो स्कोर थी वो जा रही होती है 2 हाउस की ओर। अब देखिए गाइस इसको भी हम कैसे मारते हैं। यहाँ पे हम हमारे एक्समैन लोगन भाई का किल कंफर्म कर देते हैं, और इसको भी महाकसम बहुत लेट किया था, पता नहीं कैसे बच गया, पर ऐसे तो नहीं जाने देंगे। और इसी किल के साथ तुम्हारा भाई का 13 किल हो जाता है, और यहाँ पे झोर चुपुल भी खाली हो जाता है। तो झोर चुपुल खाली करने के बाद हम आ जाते हैं स्कूल की तरफ। हम देखते हैं कि भाई स्कूल के ऊपर एक बंदा है और पीछे से बोट फायरिंग कर रहा है कोई एक बंदा, तो हम स्कूल के ऊपर रश करने चले जाते हैं। थोड़ा बोट फायरिंग करते हैं, सोचा कोई मुंडी दिखाएगा तो मुंडी उसकी फोड़ देंगे हम, पर ऐसा होता नहीं है। और सामने से आता है बंदा, वैसे इसको एक्समैन लोगन मार देता है। पर जब हम जा रहे थे और बंदे ढूंढने, तभी आवाज आती है स्कूल के पीछे की ओर से, तो हम सोचा उसके सामने नहीं जाते क्योंकि वो TPP ले रहा है, तो हम थोड़ा राइट से जाने की ट्राई करते हैं। पर यहाँ पे हमसे गलती हो जाती है, हम क्लाइम कर देते हैं। ओ भाई अगर मतलब गलती हो गई थी, मैंने क्लाइम कर दिया गलती से। पर गाइस अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप शॉट नहीं मारता ना, माँ कसम वो बंदा मुझे यहाँ पे नॉक कर ही देता, और नॉक होने के बाद फिनिश भी करता, क्योंकि हमारा जो एक्समैन लोगन भाई था वो थोड़ा पीछे था। और यहाँ पे हमारा एक्समैन लोगन भाई बोलते हैं भाई गाड़ी है ये, थोड़ा अलर्ट हो जा, घर के अंदर आ जा। पर गाइस हमको तो गाड़ी में एक ही बंदा दिखा, तो हम भागने लगे वो बंदे की ओर। वैसे एक नहीं था, दो था, तो अब देखो इसको कैसे मारते हैं। और भाई क्या ही मारा है तुम्हारे भाई ने, मजा सा आ गया। और तभी एक्समैन लोगन हमें बताते हैं कि स्कूल में और एक बंदा है, जल्दी से आ जा, इसको मारते हैं। और देखो इसको कैसे मारते हैं, तुम्हारे भाई के रिफ्लेक्स देखना बस। और भाई मुझे लगा बंदा ऊपर है, पर ये निकलता है कहाँ से, नीचे से। और तुम्हारे भाई के रिफ्लेक्स अच्छे रहे तो भाई मार दिया। वैसे मैं झाड़ी के अंदर से मतलब उसके पीछे से आ रहा था, तो इसको शायद मैं दिखा नहीं। और तुम्हारे भाई के रिफ्लेक्सेस तो नाजवाब है, किसी को भी रिफ्लेक्स से मार देते। तो फिलहाल हम देख रहे थे कि वो जो गाड़ी गई वो वहाँ पे रुकी है या नहीं, पर वहाँ पे कोई था नहीं। और पूरा अरिंगल छांड मारा, तब जाके एक बग्गी दिखती है हमें, और हम वहाँ पे रुक जाते हैं और बोट फायरिंग कर दो ताकि वो बाहर आए। और तभी मुंडी दिखाते हैं, बच जाता है। लोगों ने रश कर रहा था, सोचा मैं नेट से मार देता हूँ, तभी कूदता है। और देखो तुम्हारे भाई ने ड्रॉप शॉट मार के इसको भी मार दिया। और तभी आ जाती है पीछे से और एक गाड़ी, एक का तो ध्यान था नहीं मेरी तरफ, दूसरे बंदे को हमारा एक्समैन लोगन भाई मार देते हैं। और तभी जाके और एक गाड़ी आ जाती है, और ये पूरी स्कोर थी। तो मैंने सोचा कौशिक रुक जा, आगे मत जा, मैं नेट खींच के फेंक रहा हूँ। तो कौशिक रुक जाता है, मैं नेट फेंक तो कुछ नहीं होता है। तभी आ जाती है कि लेफ्ट साइड भी है, तो देखो इसको कैसे मारते हैं। बस एक नोक मिला, अब हम करेंगे डायरेक्ट रस, नोक हुआ करो रस, एक ही हमारा मकसद है, एक ही स्ट्रेटजी से खेलते। वैसे यहाँ पे दो ही लोग आए थे, मुझे कुछ ज़्यादा फुटप्रिंट्स आ रहे थे, तो हमने डायरेक्ट रश नहीं किया। थोड़ा नेट वगैरह करने की ट्राई की, अगर पता होता दो ही बंदे तो हम डायरेक्ट ऐसे ही घुस जाते। पर कोई ना गाइस, देखो अब आगे क्या होता है। तो गाइस यहाँ पे बहुत घुमा, कोई दिखा नहीं, हम गाड़ी लेकर जाने की ट्राई कर रहे थे, तभी पीछे से फायरिंग आ जाती है, हम उसको स्पॉट करने की ट्राई करते हैं, पर तो कोई दिखता है नहीं। तो यहाँ पे हमने TPP, तभी एक्समैन लोगन कोई शॉट मारता है तो हमें खून दिख जाता है, और हम उसको मार देते हैं इजीली।
तो अब देखो ये बंदा मतलब बहुत दूर था, बहुत ही ज़्यादा, बहुत डैमेज दिया पर मरा नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा ड्रिंक ब्रिंक लगा देते क्योंकि यहाँ पे हमारा थोड़ा हीलिंग कम है, और इसको मारने की ट्राई करते पर ये मरता नहीं है। बस एक गोली लगती है, बीच में रीच आ जाता है। तो हमारे एक्समैन लोगन भाई किल के चक्कर में आगे आगे जा रहे थे, तो हम उनसे पहले सोचा गाड़ी लेके जाते हैं, पर तभी ये उसको मार देते हैं। और एक नहीं भाई, दो दो को मारेंगे। देखो और एक नॉक करेगा एक्समैन लोगन, देखो इसको भी नॉक किया। सोचा भाई ख़त्म हो गया भाई, कोई नहीं बचा भाई, कोई नहीं बचा। और तभी हमें दिखता है एक बंदा ओपन में भाग रहा है, नूब जैसे, वैसे नूबी था ये। तो गाड़ी के साथ ये पूरा मैच ख़त्म होता है गाइस, मतलब गाड़ी के साथ, हाँ गाड़ी के साथ ही ख़त्म हुआ है वैसे तो गाइस। यहाँ पे पता नहीं ये पबजी के आईने से करके बैठी है, ये नो किल पे इसको MVP बना दिया, जहाँ कि हम के हमारे 21 किल थे। तो भाई हम यहाँ कहाँ, बस हम यहाँ कहाँ, वो क्या बोलते हैं, भजन कीर्तन करने आए क्या, मतलब कुछ समझ में नहीं आया तो भजन कीर्तन बोल दिया। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो भाई लाइक ज़रूर करना, आगे ऐसे गेम प्ले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।